नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। सामाजिक संस्था आदिवासी युवा कल्याण समिति की पहल पर सरायकेला जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र नीमडी के समानुसार के खेड़िया स्थित सबर बस्ती में सबर बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल खोला गया। इसका संचालन केएम आदिवासी युवा कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। बुधवार को यहां अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। स्कूल का विधिवत उद्घाटन क्षेत्र के मुखिया ने किया। समिति की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि सबर जाति झारखंड के आदिम जनजाति है, जो अशिक्षा और अज्ञानता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। पूरे देश में बमुश्किल 10 मात्र सबर ही मैट्रिक पास है। यही कारण है कि संस्था की ओर से पिछले बोर्ड की बैठक में सबर बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसकी स्वीकृति मिलते ही नीमडी में पहला सबर स्कूल खोला गया, जहां 5वीं तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान की जाएगी। उसके बाद आगे की पढ़ाई का प्रबंधन भी संस्था की ओर से मुफ्त कराया जाएगा। फिलहाल स्कूल गुरुकुल पद्धति से यहाँ शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को शिक्षा के घरों से लाए जाएंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ सुबह और शाम दो दो घंटे की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए स्थानीय शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया, जिनका नाम गोपाल सिंह सरदार, रानी हाशंदा और मधुसबर। संस्था ने बताया कि सरकार से स्कूल का भवन बनवाने की मांग की जाएगी। अंतर्गत समानपुर पंचायत के सबर गांव है। इस गांव में अभी जो मुझे समिति की ओर से शिक्षक नियुक्त किया गया है, ये मैं अपने ओर से बहुत गर्वमान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो सबर बच्चे हैं, बच्चों सब है, कभी बाहर का स्कूल देखे भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर स्कूल इनके घर पर आ जाऊँ तो शायद काफ़ी व्यवहार होगा। तो मैं बगल में ही रहता हूँ, तो मैं आते जाते देखते हैं कि पढ़ाई की कुछ व्यवस्था है नहीं ठीक से। तो मैं इनसे थोड़ा मुलाकात किया, समिति की ओर से उनसे बातचीत की, जैसे अगर हो सके तो अच्छा होगा, तो ना हाँ कोशिश करेंगे। तो उसी आधार पर हमारे यहाँ स्कूल स्थित हो गया। मैं सोचता हूँ कि मैं इनसे गार्जियन को और बच्चों को अपनी ओर से उन लोग स्कूल में बुलाएंगे और उनको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल सिंह सरदार, गांव समानपुर। आदिवासी युवा कल्याण समिति के तौर और से जो हम लोग जो बोर्ड मीटिंग में पास किए थे, आप लोग पहले भी बोले थे, उसी के तहत आज हम लोग सबर जो सरायकेला और जमशेदपुर पुलिया में जो हम लोग किए थे, उसी के तहत आज सबसे पहले पहला स्कूल जो एक से पंचम तक मैं 5 क्लास तक पढ़ाई होगा अभी तत्काल। इसके लिए हम लोग 3 टीचर गोपाल सिंह सरदार, रानी हाजदा, मधु सबर को हम लोग नियुक्त पत्र दिया है। सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा ये लोग को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो यहाँ का जो परिवेश है, जो दारू जो पी कर जो रहता है, वो भी बंद करने का लोग मास्टर लोग को हम लोग बोलेंगे। धीरे धीरे उन लोग को नशा मुक्त करने के लिए सब लोग को हम लोग व्यवस्था करेंगे। अभी पहले जो था ना, जो गुरुकुल का जो व्यवस्था था, जंगल में जो पढ़ाई होता है इसी के व्यवस्था में होता है। आज आधुनिक युग में हम लोग डिजिटल युग में आ गया, इसीलिए भवन निर्माण करना जरूरी है। अगर सरकार की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर भवन निर्माण कर देगा तो ठीक है, अगर सरकार या यहाँ का सबर का आदमी लोग जमीन देगा तो हम लोग केम आदिवासी युवा कल्याण समिति की ओर से हम लोग भवन निर्माण हम लोग कर देंगे। अभी फिलहाल इसी में चलेगा। हाँ, जब तक हम लोग सरकार का BDO, DC और SDO और आप लोग के माध्यम से आप लोग को भी बोलते जाए, रिक्वेस्ट करेंगे जो कहीं पर कोई अगर सरकार का योजना है तो बिल्डिंग बनेगा। जब तक अगर हम लोग 1 महीना देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे 1 महीने के बाद हम लोग अपना जो केम आदिवासी का जो पैसा है उसी पैसे हम लोग भवन निर्माण करेंगे। अधिकांश हम लोग तो जो बच्चे लोग नहीं आएगा उसको घर से पकड़ के ला के देखिए। ये लोग तो ये जो जाती है सबर जाती है, ये लोग तो स्कूल जाता ही नहीं। अगर आज तक हमको नहीं लगता जो गोरा भारतवर्ष में 10 या 20 मैट्रिक पास है, तो हम लोग इसीलिए जिसका कोई नहीं है, वो लोग केम आदिवासी को पहले बोले, जिसका कोई नहीं जिसको हेल्प नहीं करता उसी को हेल्प करने के लिए हम लोग स्कूल खोला है। और इसी का बच्चे को सबर बच्चे को हम लोग जो लोग का जो भारतवर्ष का जो मूलधारा है उसी को मूलधारा में लाना है। टीचर्स को किस भाषा में होगा? लोकल भाषा है, जो भी भाषा है, जो सबर लोग हम तो नहीं जानते यहाँ का जो लोकल क्या भाषा है, उसी को माध्यम से ये लोग लोकल टीचर है। हम लोग बाहर से लोकल लोग बाहर का नहीं, यहीं रहता है ये लोग, यहीं अगल बगल गाँव में रहता है या सबर के गाँव में रहता है, ये लोग भाषा जानता है, उसी भाषा में लोग पढ़ाएगा। सरकार का जो मान्यता शिक्षित भाषा है उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाएगा। और माध्यमिक 5 क्लास होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए हम लोग का जो केम आदिवासी का जो अपना स्कूल है, मैट्रिक है, HS है, उसके बाद जो हम लोग BEd ट्रेनिंग है, ITI ट्रेनिंग है, या
बीएड ट्रेनिंग है। हम लोग अपना ट्रेनिंग दे अपना कॉलेज में पढ़ाएंगे बिना पैसा में, कोई पैसा नहीं लेंगे हम लोग उन लोग से। काहे चाहे इन लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग चाहते हैं जो लोग बीएड ट्रेनिंग करे, मास्टर करे, बीएड करे, प्राइमरी मास्टर की या आईटीआई जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है उस तरह का अपना को अपना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।